कोविड को ध्यान में रखकर मनपा के अस्पतालों को सक्षम बनाने का प्रयास किया गया। ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की गई। साल भर में 2,965 रोगियों का इलाज हुआ। इसमें 2,034 संक्रमित पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौटे। मनपा के डॉक्टर व नर्स निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। महामारी से दो दो हाथ कर रहे महापौर दयाशंकर तिवारी व मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला अफजाई किया है। मनपा के विभिन्न अस्पतालों में फिलहाल 223 मरीज उपचाररत है। इसमें से 221 नागपुर के तथा 2 शहर के बाहर के हैं। मनपा की तरफ से संचालित 8 अस्पतालों में गांधीनगर स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में 96 बेड है। इसमें 90 ऑक्सीजन युक्त है। यहां अब तक 1,148 मरीजों ने इलाज कराया। 988 स्वस्थ होकर घर लौटे। 71 मरीज इलाजरत है। इमामवाड़ा स्थित आइसोलेशन अस्पताल में 32 ऑक्सीजन के बेड है। यहां अब तक 294 मरीजों में से 227 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में 20 भर्ती है। सदर स्थित आयुष अस्पताल में 42 ऑक्सीजन बेड है। यहां 261 मरीजों में से 196 स्वस्थ होकर लौटे हैं। वर्तमान में 15 मरीज इलाज कर रहे हैं। पाँचपावली अस्पताल में 68 ऑक्सीजन बेड है। यहां पर 590 रोगियों का इलाज हुआ। वर्तमान में 56 मरीज भर्ती है। कुछ दिनों पहले केटी नगर अस्पताल में 26 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई। यहां अब तक 56 कोविड मरीजों को भर्ती किया गया। 29 डिस्चार्ज हुए हैं। 21 रोगियों का इलाज चल रहा है। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने बताया कि अस्पतालों में मरीज के इलाज के साथ ही आवश्यक दवाएं, भोजन व चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा रेलवे के सहयोग से कोविड अस्पताल कंटेनर डिपो नरेंद्र नगर में शुरू किया गया। यहां 47 ऑक्सीजन युक्त 22 आईसीयू बेड उपलब्ध कराए गए। अब तक यहां 239 रोगी भर्ती हो चुके हैं। 17 मरीज वर्तमान में इलाज कराकर अब तक 139 मरीज डिस्चार्ज हुए। क्रीड़ा चौक श्री आयुर्वेद पकवासा अस्पताल में मनपा की मदद से 40 बेड की व्यवस्था की गई। 69 मरीज अब तक भर्ती हुए। वर्तमान में 23 इलाजरत है। 27 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। पाँचपावली महिला अस्पताल में 110 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की गई है। जल्द ही यह मरीजों की सेवा में उपलब्ध होंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।